रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र की उन भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने जा रही हैं जिनकी किस्मत साल 2021 में पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन राशियों पर माता लक्ष्मी जी अब बेहद ही ज़्यादा प्रसन्न हो रही हैं, जिसके चलते ये लोग अब बहुत जल्द करोड़ों के मालिक बनने वाली हैं। दोस्तों, जो जो तकलीफ़ें आपने साल 2020 में झेली थी, उन सब से अब आपको आने वाले वर्ष में निजात मिलने वाला है। जी हाँ, साल 2021 में इन राशि वालों का भाग्य सातवें आसमान पर होने वाला है। साल 2021 में ग्रह, नक्षत्र और मुहूर्त की स्थितियाँ कुछ इस प्रकार बन रही हैं, कुछ इस प्रकार चेंज हो रही हैं, जो कुछ राशि वालों के लिए भाग्य बनकर आई है। जी हाँ दोस्तों, इन राशि वाले लोगों के जीवन की परिस्थितियों में अब सुधार आने के योग बन रहे हैं। इन राशि वाले लोगों के लिए यह आने वाला नया साल नई सौगात लेकर आया है। दोस्तों, आपको पुरानी शारीरिक परेशानियों से अब जल्द ही छुटकारा प्राप्त होगा। आपके कठिन से कठिन कार्य भी अब आसानी से पूरे हो सकते हैं। यदि आप कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। आप लोग आर्थिक रूप से अब सुरक्षित रहेंगे, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, करीबी मित्रों की आपको इस दौरान मदद मिल सकती है, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने की संभावना भी बन रही है। आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, आपके आय में वृद्धि हो सकती है, आप किसी नए स्थान पर जा सकते हैं, आपको आने वाले समय में बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में है, उनके लिए आने वाला समय अति उत्तम रहने वाला है। आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आपके द्वारा किए गए निवेश से आपको भारी धन लाभ प्राप्त हो सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। धन से संबंधित किसी छोटी यात्रा पर जाने का योग भी बन रहा है। आपके इस दौरान घर परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी। दोस्तों, अब चलिए बता देते हैं कि आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। बता दें कि साल 2021 में कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध बेहतर होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लोगों को अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आप अपने विरोधियों पर भारी रहेंगे। आप अपने किसी पुराने मित्र से इस दौरान मुलाकात कर सकती हैं, जिससे कि पुरानी यादें आपकी ताज़ा होंगी। प्रेम संबंधित मामलों में आप भाग्यशाली रहेंगे। आप कई नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकती हैं। दोस्तों, अगली राशि है तुला राशि। बता दें कि अब आने वाले समय में आपके प्रयास और मेहनत रंग लाने वाली हैं और इनका परिणाम भी आपको मिल सकता है। अभी किसी बुजुर्ग की सेवा या अधीनस्थ की प्रशंसा आपके दिनचर्या का एक अहम हिस्सा होगी। यह समय अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर होने और योजनाएं बनाने का है। आपको कुछ समय अकेले बिताने की सलाह दी जाती है। भावुक होने से आप बचें, लेकिन अपनी भावनाओं को अपने फैसलों के माध्यम से व्यक्त करें। सपने देखने और उन्हें पूरा करने से आप पीछे ना हटें। आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपको सीधे, तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। यह स्थिति देखने में बहुत मुश्किल लग सकती है, परंतु आप इसे आसानी से संभाल पाएंगे। दोस्तों, अगली राशि है मिथुन राशि। बता दें कि आने वाले साल में आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। अचानक धन प्राप्ति की संभावना बन रही है। इस राशि के बच्चे खेल कूद में अपना समय व्यतीत करें
करेंगे। ऐसे में माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि चोट लगने की संभावना बन रही है। अगर आप वैवाहिक तौर पर लंबे समय से कुछ नाखुश हैं तो आने वाले समय में हालात बेहतर होते हुए आपको महसूस होंगे। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। बताना चाहेंगे कि इन राशि वालों का नसीब अब अचानक पलटने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा से बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। इन राशि के लोगों पर धन प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। इन लोगों पर मां लक्ष्मी जी की असीम कृपा अब आने वाली साल में होने वाली है। इनकम के क्षेत्र में लगातार आपकी बढ़ोतरी होगी। आप सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में आपके आय और पदोन्नति में वृद्धि होने के प्रबल योग बन रहे हैं। दोस्तों, अगली राशि है कन्या राशि। बता दें कि इस दौरान आप कारोबार में एक नए सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं। भविष्य में यह अत्यधिक लाभ आपको अर्जित करा सकता है। आने वाले समय में सर्वश्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होगी। बेरोजगार युवाओं को अच्छी नौकरी मिलने के योग नज़र आ रही हैं और आपके समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। बताना चाहेंगे कि इन राशि वाले लोगों को आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इन राशि वाले लोगों का आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। माता रानी की कृपा से आप अपने निर्धारित लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकती हैं। आपको अचानक कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है। आपका रुका हुआ पैसा आपको जल्द वापस प्राप्त होगा। जो लोग काफ़ी लंबे समय से नौकरी की तलाश में भटक रहे थे, उनको अच्छी नौकरी का अवसर मिल सकता है। किसी विशेष कार्य में आपको मित्रों की सहायता भी अवश्य मिल सकती है। दोस्तों, अगली राशि है मकर राशि। बताना चाहेंगे कि अब आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। आप अपने जीवन में तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने में कामयाबी हासिल करेंगे। शिक्षा, नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलने के योग बन रही हैं। समय समय पर आपको अपने जीवन में अनेक बड़े बदलाव माता लक्ष्मी जी की कृपा से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अंतिम राशि है कुंभ राशि। बताना चाहेंगे कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के घर में विवाह के नए नए प्रस्ताव आएंगे। ससुराल पक्ष की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना नज़र आ रही है। स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखें। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं। आपके घर में धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं से आपको अब छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दें। आपकी राशि कौन सी है यह भी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितना हो सके इसे अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।